मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आज साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी ने ये जो बात लिखी थी ये एंटरप्रेन्योरशिप के टीम बिल्डिंग एलिमेंट पे परफेक्ट उतरती है। अगर आप जानिबे मंजिल एक डायरेक्शन में अपने तरीके से चलते गए तो लोग साथ आते जाएंगे और कारवां बनता चला जाएगा। अक्सर आपने एंटरप्रेन्योर्स को ये ही एक बात समझते हुए स्ट्रगल करते हुए देखा होगा कि उनके साथ टीम क्यों नहीं जुड़ती, उनके पास एक बड़ी टीम जनरेट क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी जो मंजिल होती है उसका जानिब बदलता रहता है। वो जिधर जाना है वही तय नहीं कर पाते। जिस ढंग की ऑर्गेनाइजेशन और उसके कल्चर को डेवलप करना है वही तय नहीं कर पाते। तो जब उनके डायरेक्शन तय नहीं है, जब विजन तय नहीं है, जब उनकी वैल्यूज तय नहीं है, जब उनका विजन की क्लैरिटी उतनी अच्छे से उन्होंने टीम के बीच में नहीं रखी है, तो लोग उनके किस बिलीफ सिस्टम पे भरोसा करके, किस वैल्यू सिस्टम पे भरोसा करके, किस विजन या मिशन पे भरोसा करके उनके साथ जुड़ेंगे। अगर आपको अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो मजरू सुल्तानपुरी के इस शेर को ध्यान रखिए कि कारवां बनाना है तो मंजिल की जानिब बढ़ते रहिए। मंजिल की ओर बढ़ते रहने से कारवां बनता है। मंजिल तय कीजिए, लक्ष्य तय कीजिए और एक डायरेक्शन में एक ढंग से चलते रहिए। उससे आपकी खुद का वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम आप कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के बीच में। तब उससे ये होगा कि आपके बिलीफ सिस्टम, आपके वैल्यू सिस्टम में और उस मंजिल पे पहुंचने की ललक में जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो परमानेंटली आपके साथ जुड़ेंगे, कई कई सालों तक आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको आप में विश्वास होगा कि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बार बार डायरेक्शंस बदलती हैं तो न लोग जुड़ पाते हैं, न टीम बन पाती है, और जब टीम ही नहीं बन पाती तो ऑर्गेनाइजेशंस तो कैसे बनेंगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर ऑन डायरेक्शन, विजन, मिशन, वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम्स। इफ यू आर नॉट देयर देन देयर विल बी नो कल्चर, देयर विल बी नो ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी नो टीम एंड यू विल बी स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम टू गेट द राइट पीपल इन योर टीम। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू विकास सिंह।